आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सेकेंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन थर्ड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन तो यहाँ पे हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे उसके लिए ये एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक बाइनरी कोड दिया है और उसको उस नंबर को हमको उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है या उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल एट सिम्बॉल्स होते हैं तो एट सिम्बॉल्स मतलब टू रेस टू थ्री एट होता है टू टू दावर थ्री एट होता है तो uh, कोई भी ऑक्टल नंबर बाइनरी में लिखना है तो हमको थ्री बिट्स लगते हैं थ्री बिट लगते हैं हमको ऑक्टल नंबर को बाइनरी uh, में लिखने के लिए तो uh, ये जो है वो ज़ीरो टू सेवन ऑक्टल नंबर के ये बाइनरी uh, कोड uh, लिखे हैं जो कि ज़ीरो जीरो थ्री टाइम ज़ीरो से वन 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 तक है मतलब ऑक्टल uh, ज़ीरो का बाइनरी कोड है जीरो जीरो ज़ीरो और ऑक्टल सेवन का बाइनरी कोड है वन 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 ये टेबल का यूज़ करके भी हम uh, इस बाइनरी uh, नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऑक्टल uh, ऑक्टल uh, जो नंबर डिजिट uh, होता है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड थ्री बिट्स का होता है इसके लिए हम थ्री थ्री के ग्रुप्स बनाएंगे तो ये जो है वो बाइनरी पॉइंट है उस बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट में ये थ्री बिट कंबाइन कर कर लिए हमने फिर उसके बाद ये थ्री बिट कंबाइन कर लिए फिर उसके बाद राइट में ये बाइनरी पॉइंट से राइट में ये थ्री बिट हम थ्री बिट का ग्रुप बनाएंगे और ये रिमेनिंग थ्री बिट का ग्रुप बनाएंगे। अभी इसके इक्विवेलेंट हम ऑक्टल कोड लिखेंगे या ऑक्टल डिजिट लिखेंगे तो ये टेबल भी हम रेफर कर सकते हैं या हम या हम उस कोड को याद रख के भी लिख सकते हैं तो वन 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 जीरो वन का ऑक्टल कोड है बाइनरी वन जीरो वन का ऑक्टल कोड है फाइव उसके बाद बाइनरी वन वन जीरो का ऑक्टल कोड है सिक्स उसके बाद बाइनरी वन जीरो वन का ऑक्टल कोड है फाइव उसके बाद ज़ीरो वन जीरो का ऑक्टल कोड है टू तो इस तरह से गिवन बाइनरी नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट आया सिक्सटी फाइव पॉइंट फिफ्टी टू जो कि एक ऑक्टल नंबर है अभी हमने देखा बाइनरी टू तो ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी हम ऑक्टल टू तो बाइनरी कन्वर्जन करेंगे उसके लिए हमको ऑक्टल नंबर दिया गया होगा और उसका बाइनरी कोड लिखना होगा अभी ये एक ऑक्टल नंबर दिया गया है और उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में एट सिंबल्स होते हैं ज़ीरो टू सेवन तो ये एट सिंबल्स यूज़ करके ही हम कोई भी ऑक्टल नंबर बना सकते हैं तो ये नंबर दिया गया है ऑक्टल उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है तो ऑक्टल के बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमको थ्री बिट्स थ्री बिट बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा मतलब थ्री बिट बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा तो अभी हम जस्ट जो ऑक्टल ऑक्टल के डिजिट है उसको हम उसके बाइनरी कोड से रिप्लेस करेंगे ये टेबल में देख के भी कर सकते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं। थ्री मतलब ऑक्टल थ्री का बाइनरी कोड है ज़ीरो वन वन उसके बाद सिक्स का कोड है वन वन ज़ीरो फिर सेवन का कोड है वन 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 फिर उसके बाद ऑक्टल फाइव का बाइनरी कोड है वन ज़ीरो वन ऑक्टल टू का बाइनरी कोड है ज़ीरो वन ज़ीरो तो इस तरह से हमने गिवन ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया तो हमारा बाइनरी कोड आया ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो तो इस तरह से बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हम कर सकते हैं अभी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देख, देखते हैं उसके लिए ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है उसको हम हेक्साडेसिमल कन में कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में या हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल सिक्सटीन सिम्बॉल्स होते हैं तो टू रेस टू फोर जो होता है वो सिक्सटीन आता है अगर टू रेस टू फोर किया तो सिक्सटीन आता है तो अगर कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमको फोर बिट्स लगते हैं तो uh, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमको फोर बिट्स लगेंगे तो ये है जीरो टू एफ हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट जो कि है जीर, मतलब जीरो का जीरो हेक्साडेसिमल जीरो का बाइनरी इक्विवेलेंट है ज़ीरो जीरो जीरो फिर हेक्साडेसिमल एफ का बाइनरी इक्विवेलेंट है वन 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 तो हेक्साडेसिमल uh, में एफ मतलब डेसिमल में फिफ्टीन तो ये टेबल का यूज़ करके भी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मतलब बाइनरी कोड का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं तो फिर अभी आ, हमको चार चार आ, बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे तो हम ये जो बाइनरी पॉइंट है उसे स्टार्ट करते हैं और बाइनरी पॉइंट से लेफ्ट में हम चार चार बिट का ग्रुप बनाएंगे और उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल कोड सॉरी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे तो अभी यहाँ पे सिर्फ तीन बिट हो रहे हैं तो हम और एक ज़ीरो लगा सकते हैं लेफ्ट में यहाँ पे भी हम चार चार का ग्रुप बनाएंगे बाइनरी पॉइंट से राइट में मतलब फ्रैक्शन पोर्शन के लिए फिर यहाँ पे भी दो ही वन है तो और दो ज़ीरो हम अपेंड कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाने के बाद ग्रुप आएगा ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ग्रुप बना फिर वन फोर टाइम्स वन उसके बाद वन ज़ीरो वन वन ये एक ग्रुप बना फिर ज़ीरो और वन 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 तो ये एक ग्रुप बना और यहाँ पे दो ही वन है तो बाइनरी में आ, मतलब चार बिट्स चाहिए होते हैं तो हम ऑक्ट उसका इक्विवेलेंट एक, हेक्साडेसिमल कोड लिखने के लिए तो हमने दो जीरो और ऐड कर दिए तो अभी हम इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे तो जीरो जीरो वन ज़ीरो बाइनरी का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड है टू फिर वन 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 का है एफ फिर वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन वन मतलब डेसिमल में होता है इलेवन और बाजा uh, uh, डेसीमल में है बी फिर ज़ीरो वन 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 उसका इक्विलेंट एग्जाडेसीमल कोड है सेवन फिर वन वन ज़ीरो ज़ीरो जो कि डेसिमल में ट्वेल्व होता है और एग्जा डेसीमल में सी तो इस तरह से हमने गिवन बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया मतलब बेस टू को हम हमने बेस सिक्सटीन में कन्वर्ट किया है तो ये जो है हेक्साडेसिमल ए मतलब डेसिमल में टेन बी मतलब डेसिमल में इलेवन सी मतलब डेसिमल में ट्वेल्व डी मतलब फोर्टीन और ई e मतलब सॉरी uh, डी मतलब थर्टीन ई e मतलब फोर्टीन और एफ मतलब फिफ्टीन ये है डेसिमल में तो अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे कि अगर हमको हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो अभी हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है सिर्फ ये जो डिजिट्स है हेक्जाडेसिमल के डिजिट जो है उसका सिर्फ हमको बाइनरी इक्विवेलेंट कोड लिखना है तो चार 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 बिट का बाइनरी कोड लिखेंगे हम तो थ्री जो है उसका बाइनरी कोड है हेक्साडेसिमल डेसीमल थ्री का बाइनरी कोड है जो हम फोर बिट से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि आता है ज़ीरो ज़ीरो वन वन उसके बाद ए का बाइनरी कोड है ए मतलब डेसीमल में टेन तो उसका बाइनरी कोड है वन ज़ीरो वन जीरो, वन जीरो उसके बाद नाइन का बाइनरी इक्विवेलेंट है वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन उसके बाद ई e का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है ई e मतलब डेसिमल में फोर्टीन फोर थ्री टाइम्स वन और ज़ीरो फिर बाइनरी पॉइंट के बाद के डिजिट्स का हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे बी मतलब डेसिमल में इलेवन तो उसका बाइनरी कोड है वन ज़ीरो वन वन उसके बाद ज़ीरो का बाइनरी कोड है ज़ीरो 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 उसके बाद डी का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है D का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है डी मतलब डेसिमल में फो थर्टीन तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है वन वन जीरो वन तो इस तरह से हमने गिवन हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड लिखा सिर्फ हमको जो कुछ डिजिट्स होता है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड लिखना होता है बाकी और कुछ भी नहीं है इस कन्वर्जन में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में और प्रॉपर हमको ये बाइनरी पॉइंट है वहाँ पे हेक्साडेसिमल पॉइंट लगाना होता है तो ई के बाद हेक्साडेसिमल पॉइंट है तो फिर ई का कोड जो है थ्री टाइम्स वन थ्री टाइम्स वन और ज़ीरो फिर उसके बाद हम हेक्साडेसिमल पॉइंट लगाएंगे फिर बी का बाइनरी कोड है वन ज़ीरो वन वन जीरो ज़ीरो 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 वन वन जीरो वन तो इस तरह से हमने गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया अभी हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मतलब बेस एट टू बेस सिक्सटीन कन्वर्जन करना है हमको तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है तब हम डायरेक्टली ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. हमको ऑक्टल टू पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं तो हम गिवन ऑक्टल नंबर का बाइनरी कोड लिखेंगे फर्स्ट और फिर जो कुछ बाइनरी कोड आएगा उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे तो फिर ये सेवन uh, ये ऑक्टल नंबर दिया गया है उसका हेक्साडेसिमल फाइंड करना है तो ये जो है ये ऑक्टल डिजिट्स है सेवन फाइव सिक्स सिक्स ज़ीरो थ्री तो हर एक डिजिट का हम उस बाइनरी इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे आप ये टेबल भी रेफर कर सकते हैं या आप याद करके भी लिख सकते हैं। तो ऑक्टल सेवन का बाइनरी कोड है वन 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 फिर ऑक्टल फाइव का बाइनरी कोड है वन ज़ीरो वन ऑक्टल सिक्स का बाइनरी कोड है वन वन ज़ीरो फिर ऑक्टल सिक्स ऑक्टल सिक्स का बाइनरी कोड वन वन ज़ीरो ज़ीरो का बाइनरी कोड ज़ीरो 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 उसके बाद थ्री का बाइनरी कोड है ज़ीरो वन वन तो इस तरह से हमने सारे ऑक्टल डिजिट्स के बाइनरी कोड लिख दिए तो ऑक्टल हर एक ऑक्टल डिजिट का जो बाइनरी कोड होता है वो थ्री बिट्स का होता है क्योंकि टू एस टू थ्री इक्वल टू एट होता है तो थ्री तो, बिट्स यूज़ करके ही हम बाइनरी कोड लिख सकते हैं ऑक्टल डिजिट का तो बट लेकिन हेक्साडेसिमल जो कोड होता है हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कोड होता है वो फोर बिट्स का होता है क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल सिक्सटीन सिम्बॉल्स होते हैं और टू रेस टू फोर इक्वल टू सिक्सटीन होता है तो सारे हेक्जाडेसिमल सिम्बॉल्स के बाइनरी इक्वेलेंट कोड लिखने के लिए हमको टोटल फोर बिट्स लगते हैं तो अभी ये जो बाइनरी कोड लिखा है हमने हेक्सा गिवन ऑक्टल नंबर का उसका हेक्साडेसिमल इक्वेलेंट फाइंड करने के लिए मतलब ये बाइनरी कोड का हेक्साडेसिमल लिखने के लिए हमको हम चार चार के ग्रुप्स बनाएंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में चार बिट का बाइनरी कोड हमको लगता है तो यहाँ पे ये हमने दो चार के ग्रुप बना लिए सिर्फ एक वन बचता है तो अभी हम कितने चाहे उतने जीरोस लगा सकते हैं तो हमने थ्री जीरोस लगा दिए तो और एक ग्रुप बन गया फिर उसके बाद वो ये बाइनरी पॉइंट के बाद के बिट्स का हम ग्रुप बनाएंगे तो ये एक ग्रुप बन गया फिर उसके बाद ये ग्रुप सिर्फ सिंगल वन बचता है उसके बाद हमको जितने चाहे उतने जीरोस लगा सकते हैं हम उसके बाद ये फोर बिट्स का ग्रुप बन गया तो अभी ये जो फोर बिट्स का बाइनरी कोड है तो हर एक बाइनरी कोड को हम उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड से रिप्लेस करेंगे तो जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वन फिर वन 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 ज़ीरो का वन 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 ज़ीरो मतलब डेसिमल में कितना आता है ये डेसिमल uh, में ये ई e है सॉरी डेसिमल में ये फोर्टीन है और हेक्सा डेसीमल में ई e है तो वन 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 जीरो का हेक्सा डेसीमल कोड है ई uh, e. उसके बाद सेम कोड है वन 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 ज़ीरो एग्जा डेसीमल ई फिर उसके बाद वन वन ज़ीरो ज़ीरो जो कि डेसिमल में है सी सॉरी डेसिमल में है ट्वेल्व और हेक्सा में है सी फिर उसके बाद जीरो जीरो वन का हेक्साडेसिमल कोड है वन फिर वन ज़ीरो जीरो ज़ीरो का हेक्सा कोड है एट सो so, इस तरह से गिवन ऑक्टल नंबर का हेक्साडेसिमल कोड आया वन ई सी वन एट अभी नेक्स्ट टाइप का कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो अभी क्या करेंगे हम हर एक हेक्साडेसिमल ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो सारे जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट है तो हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे तो फिर आ, बी मतलब डेसिमल में इलेवन तो उसका मतलब और जो भी कोड होगा वो फोर बिट्स का होगा फोर बिट बाइनरी होगा हेक्साडेसिमल डिजिट फोर बिट बाइनरी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम तो बी है डेसिमल में इलेवन तो इलेवन का बाइनरी इक्विवेलेंट है वन ज़ीरो वन वन उसके बाद नाइन का बाइनरी इक्विवेलेंट है वन ज़ीरो ज़ीरो वन उसके बाद एफ़ का बाइनरी इक्विवेलेंट है फोर टाइम्स वन फिर ए का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है ए मतलब डेसिमल में टेन तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है वन जीरो वन जीरो फिर ई e का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है ई e मतलब डेसिमल में फोर्टीन उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कोड है वन 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 जीरो तो यहाँ पे एफ के बाद हेक्साडेसिमल पॉइंट था तो एफ के बाद ही हम बाइनरी पॉइंट लगाएंगे मतलब उसके इक्विवेलेंट बाइनरी कोड के बाद तो यहाँ पे गिवन uh, हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया अभी हमको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो हेक्साडेसिमल तो पहले हमने बाइनरी किया अभी हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे तो ऑक्टल जो कोड होता है वो तीन बिट से बनता है तीन तीन बिट तीन बिट यूज़ करते हैं ऑक्टल में क्योंकि टू रेस्टू थ्री एट होता है तो ऑक्टल के एट सिंबल्स कवर करने के लिए हमको थ्री बिट बाइनरी कोड लगता है तो तीन तीन बिट का ग्रुप करेंगे इस बाइनरी पॉइंट से लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे ये तीन बिट उसके बाद ये तीन बिट्स उसके बाद ये तीन बिट्स और ये तीन बिट्स तो सारे मतलब बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट के सारे बिट्स हमने कवर कर लिए उसके बाद हम बाइनरी पॉइंट के राइट right के बिट्स को बिट्स का तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे तो वन ज़ीरो वन फिर उसके बाद जीरो वन वन फिर वन ज़ीरो दो ही बिट बचते हैं तो हम और एक ज़ीरो लगा सकते हैं तो वन ज़ीरो ज़ीरो तो अभी हमने ये थ्री थ्री बिट्स के ग्रुप बना लिए अभी हम इस थ्री बिट बाइनरी का थ्री बिट बाइनरी का ऑक्टल इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे तो वन ज़ीरो वन का ऑक्टल आता है फाइव उसके बाद वन वन ज़ीरो का ऑक्टल कोड आता है सिक्स फिर ज़ीरो वन वन का ऑक्टल है थ्री फिर वन 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 का ऑक्टल कोड है सेवन फिर वन जीरो वन का ऑक्टल कोड है फाइव ज़ीरो वन वन है ऑक्टल थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो का ऑक्टल फोर तो इस तरह से गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को हमने इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया मतलब बेस सिक्सटीन नंबर को हमने बेस एट नंबर में कन्वर्जन किया उसके लिए हमको पहले ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना पड़ता है